देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है मॉर्निंग न्यूज का, जिसमें हम आज की खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज यानी 4 अक्टूबर को सीएम आवास खाली कर देंगे। बता दें कि उन्होंने अपने रहने के लिए नया ठिकाना तलाश लिया है। वे आम आदमी पार्टी के सांसद अशोक मित्तल के घर में रहेंगे। जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर में आज यानी 4 अक्टूबर से 116वें अखिल भारतीय किसान मेले का आगाज हो रहा है। बता दें कि इसका शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। 4 दिन तक चलने वाले इस किसान मेले में देश के कोने कोने से किसान प्रतिभाग करेंगे। वर्ष 2025 में हज के सफर पर जाने वाले आजमीन की आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब केंद्रीय हज कमेटी ने दूसरे चरण की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी सिलसिले में केंद्रीय हज कमेटी ने सभी राज्यों की हज कमेटियों को आवेदन पत्रों की जांच के बाद कवर नंबर जारी करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि स्टेट हज कमेटी की तरफ से आज यानी 4 अक्टूबर को लॉटरी निकाली जाएगी। गोविंदा को 1 अक्टूबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जब उनकी अपनी पिस्टल से मिसफायर हो गया था। उन्हें जुहू के क्रिटी केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि उनकी पत्नी ने मीडिया से बातचीत के दौरान गोविंदा का हेल्थ अपडेट दिया। सुनीता ने कहा गोविंदा की तबीयत ठीक है, आज उनको डिस्चार्ज कर देंगे। कैनरा बैंक ने हाल ही में युवाओं के लिए बम्पर भर्ती निकाली थी, जिसके लिए हजारों पदों को भरा जाएगा। यहाँ पर इन सभी पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख आज यानी 4 अक्टूबर है। बता दें कि अगर इसके बाद कोई आवेदन करता है तो उसे असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। आदर्श नगर लाइन स्थित संपार फाटक संख्या 3 स्पेशल पर मशीन द्वारा पैकिंग कार्य किया जाना है। इस कारण इस संपार फाटक को आम जन के लिए आज यानी 4 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहेगा। चेन्नई के एक निजी अस्पताल में भर्ती सुपरस्टार रजनीकांत को आज यानी 4 अक्टूबर को छुट्टी मिल जाएगी। बता दें कि उनका इलाज कर रहे डॉक्टर्स ने इसकी जानकारी दी है। रजनीकांत को सोमवार को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बैतूल में सेवा भारती आज यानी 4 अक्टूबर को न्यू बैतूल हाई स्कूल ग्राउंड पर शारदीय नवरात्रि पर कन्याओं का पूजन करेगी। बता दें कि सेवा भारती ने 1100 कन्याओं का पूजन करने का टारगेट रखा है। सचिव दीपेश मेहता ने जानकारी देते हुए बताया कि आयोजन सुबह 11 बजे से शुरू होगा। झारखंड सरकार आज यानी 4 अक्टूबर को कांटा टोली फ्लाईओवर का उद्घाटन करने जा रही है। बता दें कि जिसका निर्माण 2 दशकों से अधिक समय से लंबित था, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। इस फ्लाईओवर को 224.94 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज यानी 4 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। विभाग ने कहा कि कुछ राज्यों में इसके बाद भी बारिश का दौर जारी रहेगा। IMD ने अगले 5 दिनों के लिए वेदर रिपोर्ट जारी किया है। बता दें कि बिहार, मध्य प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, नागालैंड और तमिलनाडु में भारी बारिश हो सकती है। वक्त हो गया है आज के इतिहास का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं आज के इतिहास पर। आज ही के दिन सन 1824 में मैक्सिको एक गणराज्य बना था। आज के दिन 1884 में 20वीं शताब्दी के हिंदी के प्रमुख साहित्यकार रामचंद्र शुक्ला का जन्म हुआ था। आज के दिन 1963 में क्यूबा और हैती में चक्रवाती तूफान फ्लोरा से 6000 लोग मरे थे। आज के दिन सन 2000 में चांग चून शियुंग ताइवान के नए प्रधानमंत्री बने थे। आज के दिन सन 2015 में भारतीय फिल्म निर्देशक एवं निर्माता इदिदा नागेश्वर राव का निधन हुआ था। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।